इस वीडियो में हम बोटनेक कुर्ती कटिंग देखेंगे जो कि मैंने चार्ट के साथ बताई है ताकि आप हर साइज के लिए बड़े आसानी से कटिंग कर सको और कुर्ती में कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने कुछ टिप्स भी बताए हैं। अब वो टिप्स क्या है वो देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब यहाँ पर ये कुर्ती की लंबाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी अच्छी खासी है, 44 इंचेस पन्ना है। तो नॉर्मली अगर आपका हिप साइज 38 इंच से ज्यादा है तो आप इस तरह से लंबाई में फोल्ड करें, यहाँ पर कुर्ती की लंबाई का नाप डालें और फिर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम हिप की चौड़ाई यानी पूरे कुर्ती के चौड़ाई के नाप डालते हैं, आगे की तरफ स्लीव वगैरह कटिंग करते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ 1.5 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि मेरा हिप साइज 38 इंचेस है, तो ऐसे में मैं इसको इस तरह से पहले चौड़ाई में फोल्ड करूंगी और फिर फोल्ड करूंगी, तो ये 4 फोल्ड हो गया। यहां से मैं देखूंगी मेरा बैठ रहा है या नहीं। तो जैसे कि हिप साइज 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, अधिक 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये बराबर से 11 इंच पर फोल्ड आ रहा है। मतलब मेरा आगे का और पीछे का दोनों पार्ट यहाँ पर आराम से निकल जाएंगे। अगर आपका हिप साइज ज्यादा है 38 इंच से तो आपको मैंने पहली जो तरकीब बताई थी उसी के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। अब मैं यहाँ पर लंबाई का नाप डालूंगी, तो लंबाई मेरी 44 इंचेस तैयार है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। 46 इंचेस पर मैंने कपड़े को कटिंग किया और जो नीचे की तरफ कपड़ा बचता है उसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये सारा हो गया बेसिक। अब हम यहाँ पर नाप डालेंगे बोटनेक कुर्ती के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिप साइज 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, अधिक 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि जितना कपड़ा है पूरा रख दिया। अब मैं इसको यहां से फोल्ड करूंगी और यहां पर हम शोल्डर आर्म होल का नाप डालेंगे। बोटनेक कुर्ती, कॉलर नेक कुर्ती, इन कुर्तीज में शोल्डर्स का नाप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो चाहे आप बॉडी के ऊपर नाप सकते हो या फिर कुर्ती के ऊपर भी। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो और कंफ्यूज हो कि किस तरह से नाप लेना है तो मैंने चार्ट भी बताया है, उस तरीके से भी आप ले सकते हो। बॉडी के ऊपर मेरा शोल्डर का नाप आया था 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच, अधिक 0.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है, तो 7.25 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी। और अगर आपको बॉडी के ऊपर नापना नहीं आता है तो आप यहाँ पर दिखाए गए चार्ट अनुसार भी शोल्डर और आर्म होल का नाप ले सकते हो। जैसा कि मेरा चेस्ट साइज 34 इंच है तो उसके अनुसार शोल्डर आया है 7.25 इंच जो अभी मैंने डाला है। शोल्डर स्लूप तो 0.5 इंच आप सभी साइजेस में ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 0.5 इंच का मार्क किया। उसी के नीचे शोल्डर स्लूप के लाइन के नीचे टेप को रखना है और आर्म होल की लंबाई का नाप डालना है। तो जैसे मैंने चार्ट में बताया है चेस्ट साइज अनुसार आप आर्म होल का नाप डाल सकते हो। जैसे कि मेरा चेस्ट साइज 34 इंच है तो उसके आगे मैंने लिखा है आर्म होल का नाप 7.25 इंच, तो मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्किंग कर दिया। शोल्डर और आर्म होल यही दो नाप होते हैं जहां पर हम ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और गलती भी करते हैं, और यही दो नाप परफेक्ट आना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको चार्ट दे दिया है, अब बाकी के सारे नाप हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही डलेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर चेस्ट का नाप, 34 इंच मेरी चेस्ट है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 7.25 इंच का लूजिंग जाएगा तो 9.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब चेस्ट लाइन के नीचे 3 इंच हम जाएंगे, सभी साइजेस में आप जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमारे फुल बस्ट का नाप डलेगा। तो फुल बस्ट मेरा 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, तो मैंने बराबर से 9 इंच पर मार्किंग किया। आप चाहो तो 1/4 इंच का लूजिंग डाल सकते हो। और ऊपर से मैं 15 इंच पर कमर की लंबाई का नाप डालूंगी, तो 14 या 15 इंच तक आप कमर की लंबाई डाल सकते हो। अब वहीं पर कमर की गोलाई का नाप डालेंगे, जैसे कि कमर की गोलाई मेरी बॉडी के ऊपर है 30 इंच, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें 7.25 इंच का लूजिंग गया तो 8.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया। हिप लेंथ यानी स्लिट्स आप कहां से शुरू करते हो, तो ज्यादातर 20 से 22 इंच के बीच में हम डालते हैं, तो यहाँ पर मैंने 22 इंच डाला है। और वहीं पर हम हिप की गोलाई लेते हैं, तो हिप की गोलाई 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, तो बराबर से 9.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। इसमें लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अब जैसा शेप मिला है वैसा शेप दे देंगे और बाहर की तरफ 1 इंच 1.5 इंच जितना आपका मार्जिन है उतना आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंचेस यानी 1/4 इंच का मार्जिन रखा है। यहाँ पर मैंने कोई डार्ट नहीं लिया है, अगर आप कमर में डार्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको
जो शोल्डर स्लोप की लाइन है वहां से आमहोल की लाइन तक जितना भी है उसका सेंटर करें और एक पॉइंट लगाएं, ये आपका मिड पॉइंट होगा। यहां पर आप अंदर की तरफ आधा इंच चाहिए, तो ये सभी साइजेस में सेम होगा। मिड पॉइंट निकालना है और आधा इंच अंदर जाना है और आर्म होल कर्व की मदद से आपको बैक आर्म होल का शेप देना है। तो यहां पर हम सबसे पहले पीछे का पल्ला यानी बैक पैटर्न कटिंग करेंगे। यहां पर आप देखो आपको शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी चाहिए, मुझे 1.5 इंच चौड़ी चाहिए और दोनों साइड का मार्जिन मिला के हो गया 2.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच इस तरह से तिरछे में मार्किंग करूंगी क्योंकि आधा इंच का हमारा शोल्डर स्लोप है तो लाइन तिरछी ही आएगी। यहाँ पर गले की लाइन बनानी है जो कि हम नॉर्मली सीधी बनाते हैं लेकिन वो गलत है। यहाँ पर आपके पास नोटबुक है तो वो भी ले सकते हो, यहाँ से इस तरह से सीधा और यहाँ से सीधा, यानी आपको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से लाइन बनाने के बाद यहाँ पर आप देखो पीछे का जो गला है वो 1.5 इंच से शुरू होकर 2.5 इंच तक आप जा सकते हो, ना 2.5 इंच के नीचे जाना है ना 1.5 इंच से कम रखना है, बस इसका ध्यान रखो। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 2.5 इंच से नीचे क्यों नहीं जा सकते, तो जा सकते हो लेकिन उसमें आपका शोल्डर चेंज होगा। तो जो शोल्डर और आमहोल का चार्ट मैंने बताया है उसके अनुसार अगर हम जाते हैं तो आप 1.5 से 2.5 इंच के बीच में ही पीछे का गला रखें। और रही बात शोल्डर चेंज होने की, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में अलग सा एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो अभी के लिए जैसे हमने देखा 1.5 से 2.5 इंच के बीच में आपको पीछे का गला रखना है। अब देखिए यहां पर आप आमहोल कर्व की मदद से इसका शेप दे सकते हो, और अगर आपके पास इस तरह का कर्व नहीं है तो यहां से सिलाई का 1/2 इंच छोड़ दीजिएगा और इस साइड से 1.5 इंच छोड़ दीजिएगा और बस इसके बीच में इस तरह से कर्व कर दीजिएगा, आपके गले का शेप परफेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया पीछे का गला। अब देखिए आप कुर्ती के ऊपर भी गले का कटिंग कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं फ्यूजिंग पेपर के ऊपर गला बनाते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। तो उसके लिए मैंने 7x3 इंच का ये फ्यूजिंग पेपर फोल्ड करके लिया है, इसे इस तरह से रखिएगा और थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, ये निशान इसके ऊपर आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी गले का निशान बना सकते हो। कि ये जो निशान वाली लाइन है उसके बाहर हम एक लाइन बनाएंगे और वहीं से कटिंग करेंगे। तो निशान जहां से बना है उसके बाहर 1/4 इंच की दूरी पर मैंने दूसरी लाइन बनाई है और वहीं से हम कटिंग करेंगे, और उसके बाहर आउटलाइन भी बनाइएगा 1 इंच दूरी पर। तो इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर अगर कटिंग कर रहे हो तो निशान के बाहर एक लाइन दूसरी बनाइएगा और वहीं से कटिंग कीजिएगा। अब यहां से भी हम कटिंग करेंगे। तो ये गले की पट्टी हमारी निकल चुकी है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से ये यहाँ पर बनेगी और सिलाई वहीं से आएगी चिपक के। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पीछे का तो हमारा हो गया, अब हम फ्रंट का देखेंगे। पीछे का पल्ला पूरा यहाँ पर मार्किंग हो चुका है, पहले हम ये पूरा कटिंग कर लेंगे उसके बाद में आपको आगे का पल्ला यानी फ्रंट पार्ट का समझा दूंगी। हम गले का कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ शोल्डर लाइन से होते हुए पूरा बाकी का हिस्सा कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आमहोल का कटिंग किया, फिर मैंने शोल्डर लाइन का कटिंग किया और फिर जो नीचे की तरफ निशान बनाए हैं वो कटिंग करेंगे। तो अभी देखो ये स्ट्रेट कट कुर्ती है, यानी कि हिप के नीचे पूरा मैं सीधा रखूंगी, तो बस सीधा ही रखा है और यहाँ पर जो फोल्ड है बस मैं उसको कट कर दूंगी ताकि आगे और पीछे का पल्ला दोनों अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर ये पूरा कटिंग हो चुका है, अब हिप की तरफ एक नॉच लगाएंगे, कमर की तरफ एक नॉच लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पीछे के पल्ले के अनुसार दोनों पार्ट कटिंग हुए हैं, अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चेंजेस रहेंगे आमहोल में और नेक में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पल्ला जो है इसे मैं खोल कर बाहर रखूंगी और इसे फिर से फोल्ड करूंगी। तो ये होगा हमारा बैक पैटर, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, और ये होगा हमारा फ्रंट पैटर्न। फ्रंट में जो चेंजेस है उसके लिए हमें बैक पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, तो इसे मैं यहीं पर रख देती हूँ। अब सबसे पहले देखिएगा बैक आर्म होल से फ्रंट आर्म होल हमेशा 1 इंच नीचे रहेगा, चाहे आपका साइज कोई भी क्यों ना हो। तो 1 इंच नीचे आपको मार्किंग करना है, यहां से किया यहां से भी करें।
क्योंकि यहाँ पर ये तिरछा है ना, शोल्डर स्लोप आधा इंच का दिया है तो ये तिरछा है, इसीलिए दोनों तरफ एक एक इंच का मार्किंग करोगे तो सही से लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने लाइन भी बना दी, यहां से और यहां से एक एक इंच नीचे मार्किंग किया है। अब जैसे ऊपर से नीचे एक इंच आए हैं, वैसे एक इंच अंदर भी जाना है, तो ये भी सभी साइजेस में अप्लाई होगा, ऊपर से एक इंच नीचे और साइड से भी एक इंच अंदर। यहाँ सेंटर से भी एक इंच अंदर आना है, मार्किंग करना है और आर्म होल का शेप देना है। आप हाथ से भी दे सकते हो या फिर आर्म होल कर्व से भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमने पिछला भाग जो है वो एक इंच चढ़ा के रखा है और आगे एक इंच कम काटा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बारीकी से देखते हो तो हमारे जो बॉडी पार्ट है उसका पिछला हिस्सा जो होता है शोल्डर की तरफ का, वो चढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हमने पिछला हिस्सा यहाँ पर एक इंच चढ़ा के काटा है और आगे का एक इंच कम काटा है। अब यहाँ पर भी हमारा बोटने कुर्ती में अक्सर फ्रंट में झोल आता है और गला भी हमारा उठ खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा का कपड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक इंच अंदर काटा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर पट्टी भी हमें नाप कर लेनी है, जितनी हमारी बैक साइड की है उतनी ही फ्रंट की भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बैक पैटर्न लिया है और उसकी चौड़ाई अनुसार ही यहाँ पर मार्किंग कर दिया। दोनों की बिल्कुल सेम रहनी चाहिए शोल्डर पट्टी। मार्किंग करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा का है वो हम कट कर देंगे। अब देखिए यहां से आपको देखना है, ये सीधी अगर लाइन बनाते हैं तो आधा इंच का शोल्डर स्लोप आपका यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ये कटिंग होना चाहिए। अब यहां पर भी हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से सीधे रखना है और रखने के बाद फिर आगे की तरफ जो लाइन मिलती है उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की पैटर्न स्केल नहीं है तो आप नोटबुक बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे का गला कितना रखना है, तो बेसिक जो है वो 3 इंच से शुरू होगा, उससे कम नहीं। तो 3 इंच से आप शुरू कर सकते हो, 4 इंच तक जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखा है और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन का रहेगा, तो आधा इंच का मार्किंग कर दिया और वहां से शेप को शुरू करना है और इस तरह से शेप देना है। अगर आप हाथ से शेप दे रहे हो तो देखिए यहां से आधा इंच से शुरू करेंगे और यहां पर 1 इंच तक जाएंगे, यानी 1 इंच तक सीधा रहेगा और वहीं तक कर्व को स्टॉप करना है। तो बस इस तरीके से आप फ्रंट गले का भी शेप दे सकते हो। लेकिन साइज अनुसार 7x6 इंचेस का मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, फोल्ड करके फोल्ड वाली साइड इस तरफ रखी है और बिल्कुल मैंने जिस तरह से बैक पैटर्न के निशान बनाए थे सेम तरीके से निशान बनाए हैं। अब यहां पर भी ये हमारी जो निशान बने हैं वहां से हमारा कटिंग होता है। अब जो सिलाई जहां से होती है वहां से हमें मार्किंग करना है, यानी थोड़ा अंदर की तरफ से, और वहीं से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम सिलाई नहीं करते, फ्यूजिंग पेपर को चिपक के सिलाई करते हैं, इसलिए जहां से सिलाई होगी वहीं से कटिंग किया। अब उसके बाहर आउटलाइन होगी 1-1 इंच दूरी पर। कोशिश कीजिएगा कि फ्रंट और बैक की जो आउटलाइन है गले की वो सेम रहे। अब ये हो गया फ्रंट का, तो यहां पर हमारे गले का कटिंग भी हो गया और कुर्ती का कटिंग भी हो गया। अब बस मैं यहाँ पर मार्किंग करती हूँ जो कि 1-1 इंच या 1.25 इंच जो भी हमने छोड़ा है, और उसके बाद आपको आर्म होल का कर्व नापना है। जैसे कि मेरा आ रहा है 1.25 इंच, तो ये फ्रंट है, तो सेम तरीके से आप बैक का भी नाप के देख सकते हो, क्योंकि आपको डाउट्स होंगे कि 1 इंच नीचे लिया है तो कम ज्यादा रहेगा। तो सिलाई मार्जिन छोड़ के मैंने नापा है, तो ये भी मेरा 1.25 इंच है, यानी दोनों हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। अब जो ये जो 1.25 इंच है इसका उपयोग होगा हमारे स्लीव्स कटिंग में। तो यहाँ पर स्लीव्स कटिंग में मैंने कपड़ा लिया है, ये 4 फोल्ड है, जो भी बचा हुआ था वो पूरा ले लिया है। लंबाई आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने लगभग यहाँ पर 15 इंच रखी है। 1.25 इंच पर मैंने कैप हाइट का नाप डाला है। स्लीव्स कटिंग के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप वो जरूर देखिएगा। अब 1.25 इंच हमारा आर्म होल राउंड आया था, तो बराबर से मैंने 1.25 इंच पकड़ा है और ये जहां पर लाइन को टच होता है वहां पर हम मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये टच हो रहा है 1.25 इंच, तो वहां पर मार्किंग किया और वहां से हम फ्रंट और बैक दोनों शेप देंगे। की तरफ बाजू की गोलाई आपके चॉइस अनुसार आप रख सकते हो, टाइट लूज, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूज रख रही हूँ, 5.5 इंच पर मार्किंग किया है और यहां से मैं इस तरह से लाइन बना के बाहर की तरफ भी मार्जिन रखते हुए लाइन बनाऊंगी। अब जैसा मार्किंग है वैसा हम कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पर सेंटर नॉच देना ना भूलिएगा और फिर इसे खोलकर जो फ्रंट का शेप है अंदर की तरफ से वो कटिंग कीजिएगा। तो इस तरीके से स्लीव्स कटिंग भी हमारा हो गया। अब जो भी गले की पट्टियां निकली थी उसको मैंने दूसरे कपड़े के ऊपर रखकर इस्त्री करके चिपका के लिया है और साइज अनुसार उसका कटिंग भी किया। अब मैं इसको साइज से सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से और इसको रेडी करूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है दोनों में, फ्रंट और बैक में। अब इसको सेंटर में फोल्ड करके एक एक सेंटर नॉच दीजिएगा बड़ा वाला। करेंगे कुर्ती का पैटर्न और उसके ऊपर भी सेंटर नॉच लगाएंगे क्योंकि गला गले की जो पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर में बैठनी चाहिए। और इस तरीके से फ्रंट में फ्रंट और बैक में बैक रखकर पिंस लगा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एकदम किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट का एक गला मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, सेम तरीके से हमें बैक का भी रेडी करना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने कटिंग किया एक्स्ट्रा का कपड़ा और यहाँ पर इस तरह से कट्स लगाएंगे तिरछे में। बस ध्यान रखना है कि कट से सिलाई ना कटे। अब यहाँ पर पट्टी जोड़ने के बाद उल्टी साइड से आप देखोगे तो गले की पट्टी एक्स्ट्रा की नजर आती है। जितनी एक्स्ट्रा की नजर आ रही है उतनी ही कट करनी है क्योंकि यहाँ पर शोल्डर पट्टी के अनुसार ही हमें गले की पट्टी रखनी है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गया है फ्रंट पैटर्न में। जो जो प्रोसेस हमने फ्रंट पैटर्न में किया है वो सारा प्रोसेस बैक पैटर्न में भी किया है गला जोड़ते वक्त। अब हम यहाँ पर शोल्डर जोड़ेंगे। तो आप नॉर्मली जैसे शोल्डर जोड़ते हो वैसे भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर मैं एक अलग तरीका बताऊंगी जिससे फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो दोनों को एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा है और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन भी लगा दी है। तो इस तरीके से पट्टी को खोलना है और सेम तरीके से बैक पैटर्न की पट्टी भी लेनी है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाते टाइम जितना मार्जिन आपने पकड़ा है सेम मार्जिन पूरे पट्टी में रहना चाहिए। और सिलाई लगाते टाइम आप बाहर से अंदर की तरफ आओ, मतलब आर्म होल की तरफ से गले की तरफ आओ। एक जरूरी बात, शोल्डर की तरफ से अगर आपने आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई चलाई है तो गले की तरफ भी आधा इंच का मार्जिन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आधा इंच है तो यहाँ पर भी आधा इंच है। अब सीधी साइड से देखो, शोल्डर पट्टी बिल्कुल आपकी दोनों की सेम है, यहाँ पर ये बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा कम ज्यादा नजर आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कम ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि ये सिलाई में चला जाता है अंदर की तरफ, लेकिन ये वाली लाइन बिल्कुल आपकी एक लाइन आनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से बैक और फ्रंट आपको जोड़ने हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ के शोल्डर हमने जोड़ कर ले लिए हैं। अब पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके आप एक बार इस्त्री करके ले सकते हो। तो यहाँ पर आप बड़े टाको वाली सिलाई लगा के बाद में तुरपाई भी कर सकते हो या फिर पक्की सिलाई राउंड में पूरे गले के लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने इस्त्री करके ले लिया है, बाद में मैं तुरपाई कर दूंगी। अब मैं आपको स्लीव्स जोड़ना बताऊंगी। तो ये स्लीव्स है जैसे आप देख पा रहे हो, ये फ्रंट है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये सेंटर नॉच भी मैंने लगाया है। फिर से एक बार निशान लगा देती हूँ। अब जो सेंटर निशान है वो बराबर से इस शोल्डर सिलाई के ऊपर आना चाहिए इस तरीके से, और फिर आपको जोड़ना है। फिर आप चाहे सेंटर से शुरू करके साइड तक सिलाई को लेके जा सकते हो या फिर इस तरीके से एक साइड से लेते हुए दूसरे साइड तक सिलाई को लेके जा सकते हो। तो मैंने एक साइड से शुरू किया है सिलाई। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जो स्लीव का सेंटर है और कुर्ती की शोल्डर की सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो ये पूरे में मैंने स्लीव अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगाकर ले लीजिएगा। स्लीव हमारे अटैच है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी है। तो स्लीव अटैच करने के बाद अब आप फिटिंग कर दीजिएगा। जितना मार्जिन आपने छोड़ा था बस उतना ही मार्जिन पकड़ते हुए आपको फिटिंग करनी है और यहाँ पर ये बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये आमने सामने आना चाहिए और बस आपको जैसे नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग करते हो वैसे कर देनी है। अगर आपने राउंड कुर्ती बनाई है तो राउंड पूरा फिटिंग होगा आपका नीचे तक। अगर मेरी तरह स्ट्रेट कट कुर्ती बनाई है तो यहाँ से आपको सिलाई शुरू करनी है हिप लाइन तक और हिप लाइन के नीचे यानी जहां पर हमारे स्लिट्स है वहां पर आपको नीचे की तरफ स्लिट्स बनाने हैं। तो ये सारा बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह होगा जो मैं आपको पूरा करके बता देती हूँ। तो कुर्ती की पूरी फिटिंग हो चुकी है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। ये कुर्ती बहुत ही अच्छे से फिटिंग में आई है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज के इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट्स रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।
मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।